जय हिंद मित्रों, आज हम मॉडर्न इंडिया के सीरीज में 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ा रहे हैं और आज चर्चा करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह का कारण। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे 1857 के विद्रोह का कारण। अब ध्यान देना है कि जो कारण है ये अगर हम लोगों को किसी मेंस में लिखना होता तो उसकी अलग शैली होती, लेकिन यहां क्या है, कारण से हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव का पॉइंट निकालना है जो हम लोगों को एग्जाम में मदद कर सकता है। क्लियर है? तो आज हम उन कारणों में से कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स निकाल रहे हैं, आप लोग को उस पर ध्यान देना है। क्लियर है? तो कारण में सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या यह सिपाहियों के असंतोष का कारण था, क्या यह सैनिकों के असंतोष के कारण हुआ था, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या यह सैनिकों के असंतोष के कारण हुआ था? तो नहीं, इसके कई कारण थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण था सैनिकों का कारण। तो सिर्फ सैनिक ही नाराज थे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, या सिर्फ सैनिक की नाराजगी या सैनिकों के असंतोष के कारण यह विद्रोह हुआ, यह स्पष्ट नहीं होता है, इसके कई कारण थे। क्लियर है? अब इसमें क्या है, तो औपनिवेशिक शासन जो है, जो भी औपनिवेशिक शासन होता है, औपनिवेशिक शासन उसके अपने चरित्र होते हैं, ये चरित्र से लोगों में असंतोष होता है, उसकी गलत नीतियों का परिणाम होता है, उसके गलत नीतियों का परिणाम होता है। क्लियर है आप लोगों का? फिर साम्राज्यवादी शोषण ये सब कारण मिलकर विद्रोह को एक रूप देता है। तो विद्रोह के कई कारण हैं, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहला बात है कि विद्रोह के क्या कारण हैं। तो विद्रोह के कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारक जिस शीर्षक के तहत हम लोग 1857 के विद्रोह के कारण को अच्छे से कर सकते हैं, वो कारक पर ध्यान देना है आप लोग को। सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। जब तक लोग आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे तब तक विद्रोह नहीं होता है। तो विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है आर्थिक कारण। क्लियर है? दूसरा जो है वो है राजनीतिक कारण। तीसरा जो है वो है सामाजिक व धार्मिक कारण। चौथा है सैनिक कारण। पांचवा है मनोवैज्ञानिक कारण। और लास्ट जो है वो है तात्कालिक कारण। क्लियर है? तो ये कुल विद्रोह के कारण हुए। फर्स्ट क्या हुआ, आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सामाजिक धार्मिक कारण, चौथा सैनिक कारण, पांचवा मनोवैज्ञानिक कारण और छठा तात्कालिक कारण। तो इन कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण 1857 का विद्रोह हुआ। अब हम लोगों को देखना है कि आर्थिक कारण में से हम लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या पॉइंट बनता है। तो यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि आर्थिक कारण में जो पॉइंट हम लोग निकालेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि भारत के किन किन व्यक्ति ने, किन किन इतिहासकारों ने, या किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने, या किन किन आर्थिक विशेषज्ञों ने साम्राज्यवादी आर्थिक नीति की आलोचना की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नवरोजी सबसे महत्वपूर्ण नाम, जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की आलोचना की। दूसरा है आरपी दत्त, ध्यान दीजिएगा आरपी दत्त। और तीसरे है आरसी दत्त, ध्यान दीजिएगा यहां पर आरपी दत्त है, यहां आरसी दत्त है। चौथे है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना किया और इसके कारण लोगों में असंतोष पनपा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और वह है धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन के सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नवरोजी द्वारा। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग आंसर देंगे दादा भाई नवरोजी। क्लियर है? अब ध्यान देना है कि दादा भाई नवरोजी की पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आप लोग से पुस्तक का नाम पूछता है तो लिखिए पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बुक एंड ऑथर के रूप में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नवरोजी। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1861 में प्रकाशित। तो इसी पुस्तक में दादा भाई नवरोजी पहली बार धन के निष्कासन के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप लोग कि अगर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछें कि धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्या आंसर होगा आप लोगों का? दादा भाई नवरोजी। क्लियर है? दूसरा, किस पुस्तक में इस सिद्धांत को वो दिए थे? पुस्तक का नाम होगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1861 में। क्लियर है? कब प्रकाशित हुआ? तो आंसर होगा 1861 में। तो आर्थिक कारणों में से जो ऑब्जेक्टिव के दो प्रश्न बनते थे, इन दोनों प्रश्न पर हम चर्चा किए। जहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जहां से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा बन सकता है, वो है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में दो लोग के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है लॉर्ड वेलेसली और दूसरे हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनके नीतियों के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बने विद्रोह के। तो लॉर्ड वेलेसली द्वारा जो नीति लगाया गया उसका नाम है सहायक संधि। क्लियर है? और लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो नीति लागू किया गया उसका नाम है व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, या इसी को हड़प नीति भी कहते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर क्या देंगे आप लोग? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? आंसर क्या देंगे आप लोग? लॉर्ड वेलेसली। ये दो कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग को गौर करना है कि यह करना है कि लॉर्ड वेलेसली द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया, ये क्यों लागू किया गया? इसके दो वजह हैं।
सहायक संधि प्रणाली लागू करने के कितने वजह हैं? दो महत्वपूर्ण वजह हैं। फर्स्ट है अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना। अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना, अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना। और दूसरा पॉइंट है फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना, फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे सहायक संधि प्रणाली जो लॉर्ड वेलेसली द्वारा लागू किया गया उसके कितने कारण हैं? दो कारण हैं। क्लियर? फर्स्ट क्या है? अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना। दूसरा क्या है? फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना। अब संधि, जो ये सहायक संधि प्रणाली है इसकी क्या विशेषता है? तो फर्स्ट है विदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध जो हैं ये ब्रिटिश के अधीन रहेंगे। किसके अधीन? ब्रिटिश के अधीन रहेंगे। लेकिन आंतरिक मामले में, आंतरिक मामले में ये राज्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामले में राज्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं, लेकिन बाह्य मामले, वैदेशिक मामले किनके अंतर्गत रहेंगे? आंसर क्या होगा आप लोगों का? आप लोगों का आंसर होगा ब्रिटिश के अधीन, और आंतरिक मामले राज्य के अधीन रहेंगे। तो इस प्रणाली को ही कहते हैं सहायक संधि प्रणाली। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है किन किन राज्यों ने, किन किन राज्यों ने वेलेसली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला रियासत कौन था जिसने की सहायक संधि को स्वीकार किया, तो वो है हैदराबाद। वो कौन है भाई? हैदराबाद। तो आप लोग अच्छे से लिखे, इसका क्रम भी मिलाने के लिए आप लोग को दे सकता है। हैदराबाद 1798। तो हैदराबाद सहायक संधि प्रणाली को कब स्वीकार किया? 1798 में। अब क्वेश्चन बनेगा कि सहायक संधि प्रणाली कब लागू किया गया था? 1798 में। क्लियर? किनके द्वारा सबसे पहली बार इस पर हस्ताक्षर किया गया? आंसर क्या देंगे आप? हैदराबाद। अगला है मैसूर। अगला कौन है भाई? मैसूर 1799। अगला कौन है? तंजौर, ये भी 1799। तो मैसूर कब? 1799। तंजौर कब? 1799। अवध कब किया? 1801। पेशवा कब किए? 1802। क्लियर? पेशवा कब किए भाई? 1802। भोसले 1803, 1803। और फिर सिंधिया ये कब किए? 1804। तो ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य हुए। पहला पर ध्यान देना है आप लोग को, और अगर सारे को याद रखते हैं तो आप क्रम बना सकते हैं, क्रम पूछ सकता है और आप आराम से करेंगे। तो बताइए सबसे पहला कौन है? हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, छठा भोसले, सातवां सिंधिया। तो ये हुए सहायक संधि प्रणाली। क्लियर? अब आइए, अब हम लोग करते हैं व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति। तो ध्यान रखना है आप लोग को कि व्यपगत का सिद्धांत किनके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी जो है कई देशी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे, और इसमें कई नीति था, जैसे गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिए। क्लियर है? तो इस तरह से कई राज्यों को वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए। तो अब है कि पहला कौन था? तो डलहौजी द्वारा जो व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? आंसर होगा सतारा। कब भाई? 1748। क्लियर है? आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है जैतपुर। जैतपुर नहीं, ये 1848 होगा। सतारा कब भाई? 1848। क्लियर? जयपुर कब किया? तो 1849। फिर है उदयपुर। जयपुर के बाद फिर कौन है? उदयपुर
क्लियर है? उदयपुर नहीं, उदयपुर से पहले आप कर लीजिए बघाट, बघाट 1850, बघाट तब लिखेंगे उदयपुर, 1850 तब लिखेंगे उदयपुर, उदयपुर कब है 1852। उसके बाद है झांसी, झांसी उदयपुर के बाद कौन है, झांसी 1853। और चौथा है आप लोगों का नागपुर, नागपुर कौन है भाई, नागपुर, और नागपुर को कब मिलाया गया 1854। क्लियर है? तो सबसे पहला राज्य जो कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत या हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था वो कौन होगा, सतारा, कब भाई 1848। क्लियर है? जयपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। इस नीति के तहत जो सबसे अंतिम राज्य जिसको मिलाया गया वो काफी महत्वपूर्ण है और वो विद्रोह के बहुत बड़े कारण बने, वह है अवध का विलय। किस नीति के तहत? व्यपगत के सिद्धांत के तहत अवध का विलय कब किया गया 1856। किस आधार पर किया गया? कुशासन के आधार पर, याद रखिएगा कुशासन के आधार पर। उस समय शासक कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछेगा अवध का जो विलय किया गया किसके रिपोर्ट पर, तो आंसर होगा आउट्रम के रिपोर्ट पर। और इसको क्या बना दिया गया, तो चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और पहले चीफ कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया, आंसर होगा हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। तो अवध का विलय काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश सेना में सबसे अधिक सैनिक जो थे वो अवध से ही आते थे। और अवध का जब विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में तो अवध के लोग नाराज हुए और अवध के लोगों की नाराजगी का असर सैनिकों पर भी पड़ा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछता है, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि इनाम कमीशन का गठन किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किस कमीशन का? इनाम कमीशन का। क्वेश्चन पूछेगा इनाम कमीशन का गठन किनके द्वारा किया गया था, आंसर क्या बोलेंगे आप लोग, आप लोग का आंसर होगा डलहौजी द्वारा। कब? 1854 में। अब पूछे क्यों किया गया था, तो जागीरदारों, जागीरदारों और जमींदारों की जांच के लिए, जागीरदारों और जमींदारों की जांच के लिए। इस कमीशन के तहत कितने जागीरदार और जमींदार की जांच की गई, आंसर होगा 35,000। और कितने को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, आंसर होगा 20,000। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर जो है डलहौजी जो हैं वो मुगल बादशाह के साथ भी गलत व्यवहार किए। किनके साथ? मुगल बादशाह के साथ। इसका भी प्रभाव पड़ा विद्रोह पर और यह भी विद्रोह के कारण बने, क्योंकि अभी भी भारत के लोग बहादुर शाह द्वितीय को या मुगल सम्राट को अपना सम्राट मानते थे और उनको अपमानित करना कहीं ना कहीं इसका असर विद्रोह पर पड़ा। क्लियर है? क्या किए तो ध्यान रखना है आप लोग को, लाल किला खाली करने का आदेश, लाल किला खाली करने का आदेश दे दिया गया। किनको? बहादुर शाह द्वितीय को। किनके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा सिक्कों से उनका नाम हटा दिया गया, सिक्कों से उनका नाम हटा दिया गया। किनका भाई? बहादुर शाह द्वितीय का। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा कोयास को, याद रखिएगा किसको? कोयास को राजकुमार घोषित किया गया, कोयास को राजकुमार घोषित किया गया, जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी थे, वास्तविक उत्तराधिकारी थे
वास्तविक उत्तराधिकारी कौन थे? तो आंसर होगा हमारा जवावक्स। क्या आंसर होगा? जवावक्स। तो वास्तविक उत्तराधिकारी जवावक्स थे, लेकिन अंग्रेजों ने कोयास को राजकुमार घोषित कर दिया। इस तीन पॉइंट के कारण ब्रिटिश से मुगल सम्राट नाराज थे, और मुगल सम्राट की नाराजगी कहीं ना कहीं विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। क्लियर है? चलिए अगला जो है वो ये है कि आप लोग को पता ही है कि अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। इनका पेंशन बंद कर दिया गया और इससे नाना साहब नाराज हुए और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए। तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है राजनीतिक कारणों में। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अब सामाजिक और धार्मिक कारण। यहां से एक पॉइंट आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट सामाजिक और धार्मिक में फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? तो फर्स्ट पॉइंट है चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिया गया। भारत में प्रवेश कब भाई? 1813। तो ईसाई मिशनरी को 1813 चार्टर एक्ट द्वारा भारत में प्रवेश की अनुमति दे दिया गया। यह भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि 1850 में एक नियम बनाया गया कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं उनकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों के द्वारा, खास करके डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो भी समाज सुधार के कार्य चलाए गए, जैसे सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, शिशु वध पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, इन सब से भी समाज के कट्टर वर्ग नाराज हुए और यह भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो यह हुआ हमारा सामाजिक धार्मिक कारण। अगला पॉइंट है सैनिक असंतोष के कारण। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 1854 का डाकघर अधिनियम पारित होना। इससे पहले जो भारतीय सैनिक थे उनका डाक सुविधा निःशुल्क था, लेकिन इस अधिनियम द्वारा उस पर शुल्क लगा दिया गया, इससे सैनिक नाराज थे। अगला जो है 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत सैनिकों को एग्रीमेंट पर साइन करना होता था कि आपको जहां भी भेजा जाएगा युद्ध के लिए जाना पड़ेगा, और इससे सैनिक नाराज थे। अगला कारण है कि वेतन में सैनिकों का बहुत अंतर था। भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक के वेतन में बहुत का अंतर था, जिससे भारत के सैनिकों में नाराजगी था। अगला पॉइंट है पदोन्नति में भेदभाव। भारतीय सैनिक कितना भी अच्छा कार्य कर ले, सूबेदार से ऊंचा पद धारण नहीं कर सकता था। इससे भी सैनिकों में नाराजगी था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कारण हुआ आप लोगों का, कौन? सैनिक कारण, जिससे सैनिक लोग नाराज थे। अब है मनोवैज्ञानिक कारण।
तीन युद्ध हुए मनोवैज्ञानिक कारण में, याद रखिएगा, तीन बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिसमें ब्रिटिश पराजित हुए। वो तीन युद्ध कौन था? तो एक युद्ध था आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है भाई? तो 1838 से 42। दूसरा है पंजाब के युद्ध, पंजाब के युद्ध, ये कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों का, क्या आंसर होगा? 1845 से 49। और तीसरा है क्रीमियाई, क्रीमियाई युद्ध, ये कब हुआ? तो क्रीमियाई युद्ध कब से कब तक चला? तो 1854 से 56। इन तीनों युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों को पराजय का सामना करना पड़ा और इससे भारतीयों का या भारतीय सैनिक का मनोबल बढ़ा कि हम भी यहां ब्रिटिश सैनिक को पराजित कर सकते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ा बात हुआ जिसके कारण विद्रोह को एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मिला। लास्ट है इसका तात्कालिक कारण। लास्ट कारण क्या है भाई? तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण में आप लोग जानते ही हैं कि विद्रोह के जो तात्कालिक कारण थे वो ये थे कि पहले जो सेना के द्वारा यूज होता था वो होता था ब्राउन बैस बंदूक, और इसको हटाकर इसके जगह पर प्रयोग प्रारंभ हुआ न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कब प्रारंभ किया गया? 1856। तो 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ हुआ और इसमें जो कारतूस प्रयोग होता था उस कारतूस के विषय में एक अपवाह फैला, और यह अपवाह फैला जनवरी 1857 कहां? तो बंगाल में। और क्या अपवाह फैला? तो अपवाह फैला कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज हो गए और यह तेजी से अपवाह फैला और यह विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। विद्रोह का क्या बना? तात्कालिक कारण बना। अब आप सारे पॉइंट को देखिए तो लगेगा कि विद्रोह के लिए जो बारूद है वो जमा हो चुका था, सिर्फ एक चिंगारी की उसको जरूरत थी और ये चिंगारी का काम किया चर्बी वाला कारतूस। तो अगर आप लोग से पूछे विद्रोह का तात्कालिक कारण बताइए, क्या बताएंगे आप लोग? चर्बी वाला कारतूस। तो इस तरह से हम बहुत तेजी से, जो बहुत ही परीक्षोपयोगी पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो सकता था, उसको आप लोगों को बताए हैं। अब है कि अगर आप लोग को लगता है कि यह बहुत तेजी से बताया गया तो वीडियो आप लोग के पास उपलब्ध है, बार बार इसको देखें और नोट करें, नोट्स बनाएं, तभी जाके ये आपको परीक्षा के समय काम आएगा। क्योंकि परीक्षा के समय आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, आपको ये वीडियो देखकर नोट्स तैयार करना होगा और वो नोट्स को ही आप बार बार रिवाइज करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले शीर्षक के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ, अगले वीडियो में।